स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि जेपी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। तो बेसिकली जॉब परफॉर्मर क्या है, एट नोक के अंदर जो आदमी परमिट रिसीव करके काम करवाने जाएगा वो जॉब परफॉर्मर होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो इसने सबसे पहले कम्युनिकेशन लेनी है परफॉर्मिंग अथॉरिटी PSA। PSA को इन्फॉर्म करेगा कि आपकी साइड का कौन सा परमिट है, आपने कौन सा परमिट रिसीव करना है। तो इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कम्युनिकेशन फॉर्म PA, उसके बाद एक्सेप्टिंग द परमिट। अब परमिट एक्सेप्ट करते हुए उसने कन्फर्म करना है कि जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो वैलिड है। वही सर्टिफिकेट का नंबर परमिट के ऊपर होना चाहिए, उसकी अटैचमेंट भी चेक करनी है। परमिट का आपका जो स्कोप ऑफ वर्क है, जो प्लान टाइम है, वो आपका वैलिड होना चाहिए, उस डेट के अंदर ही आपने परमिट एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट चीज़ आएगी जो सर्टिफिकेट्स हैं, आइसोलेशन कंफर्मेशन सर्टिफिकेट हो सकता है, कन्फाइंड स्पेस एंट्री हो सकता है, व्हीकल एंट्री हो सकता है, एटमोस्फेरिक टेस्टिंग, तमाम सर्टिफिकेट वेरीफाई करेगा, चेक करेगा। उसके बाद जो PI की तरफ से परफॉर्मिंग परमिट इश्यू की तरफ से, तो उसके अंदर प्री डॉक्यूमेंट कंट्रोल मेंशन या जस्टिफाई किए जाएंगे, उनकी इंप्लीमेंटेशन को वेरीफाई, तमाम चीज़ें वेरीफाई करने के बाद परमिट को एक्सेप्ट करना। जब परमिट एक्सेप्ट कर लिया, काम स्टार्ट करने से पहले TBT एज पर रेफर टू JSA FRA तमाम वर्कर के साथ TBT में तमाम कंट्रोल मेजर्स हैजर्ड सबको कम्युनिकेट करना। उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी रिमेन एट वर्क साइट, आप जॉब परफॉर्मर हो, जब तक जॉब परफॉर्म हो रही है आपको उसकी सेफ एग्जीक्यूशन इंश्योर करनी है एज़ पर परमिट, एज़ पर JSA SOP, जो भी स्कोप है उसके अकॉर्डिंग काम इन लाइन होना चाहिए। उसके बाद जब आपका काम ख़त्म हो जाएगा, आपने एरिया की हाउसकीपिंग, तमाम टूल इक्विपमेंट तमाम रिमूव करने हैं, एरिया को क्लीन हाउसकीपिंग करके परमिट आपने सस्पेंड करना है, और आपने ये चीज़ कम्युनिकेट करनी है PA को। PA आपका परमिट को सस्पेंड या क्लोज, अगर आपको नेक्स्ट ईयर नहीं चाहिए, क्लोज कर देगा। तो JP की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम्युनिकेशन, एक्सेप्टिंग परमिट, वेरीफाई ऑल दी डॉक्यूमेंट्स, वेरीफाइंग एंड इंश्योरिंग कंट्रोल मेजर्स, TBT, उसके बाद सेफ एग्जीक्यूशन ऑफ जॉब, उसके बाद हाउस कीपिंग एंड क्लोजिंग द परमिट आते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उस पर वीडियो बना के आपको बता दिया जाएगा। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।